जब हम लोग टास्क पूरा करके विला पहुंचे तो पवित्रा बहुत अपसेट थी और मुंह फुलाकर बैठी थी क्योंकि वो सबजल की परफॉर्मेंस से बहुत अपसेट थी। आई फील रियली सॉरी, मैं तेरे को दो बार तीन बार चार बार सॉरी बोला हूं कि मैं अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं और मैं डिसअपॉइंट तेरे को ही मैंने किया हूं। देख एमवी आई गिव आई कंप्लीट माय टास्क रादर देन क्विटिंग। ये चीज मत सुना यार। देख वो छोड़ दे, मैं बोल रहा हूं किरण निर्मल से थोड़ी बात कर ले। आई नो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर यू जस्ट एक बार बात कर ले। बात कर लूंगी, देख लूंगी। देख मैं अपने उन दोस्तों के पास हेल्प मांगने के लिए गई थी जिनसे मैंने हमेशा उम्मीद की कि वो मुझे यू नो सपोर्ट करेंगे। पुलकित को मोनिका ने ऑलरेडी अपने साइड में किया हुआ है, तो पुलकित वही करेगा जो मोनिका करेगी या बोलेगी। तो मोनिका ऑब्वियसली रिया को वोट करेगी, पुलकित भी वही करेगा। क्लियर है, सबको दिखता है। ठीक है, निहारिका और माही ये लोग भी उन्हीं को वोट करेंगे। 6-4 वोट उधर चले गए, रमन भी उधर ही वोट करेगा फॉर श्योर। इट वॉन्ट इवन काउंट कि अभी मेरा जो एक वोट है मुझे पता है मेरा वेस्ट ही जाएगा। उस टाइम पे आई फेल्ट समवेयर एंड समहाउ कि आई थिंक रिया एंड पराग आर स्ट्रॉन्गर देन मी। मुझे ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया था कि क्या अब कोई मेरी साइड है भी कि नहीं। तेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, विकास का ना जीतना या पवित्रा का ना जीतना? विकास का ना। तो फिर थिंक अबाउट दैट, पवित्रा और व्हाट द पोटेंशियल टू बीट इट। मे बी गेम के इस मोड़ पर हर वोट प्राइसलेस था। रिया और पराग ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी कि वोट वो अपनी साइड कर सके। बट एक बंदा जिसके साथ मैं रहा हूं एंड आई हैव शेयर्ड गुड केमिस्ट्री विद सबजल, वो ने सेफ सबजल दैट ओके ठीक है दैट्स अंडरस्टूड, बट उसके साथ आ रही है साथ में पवित्रा। सो इफ यू कैन टेक द फैक्ट, इफ यू कैन डाइजेस्ट द फैक्ट ओके सबजल एंड पवित्रा साथ में जीत रही है, देन वेल एंड गुड, दैट्स योर कॉल राइट। मोनिका नोज अबाउट इट के आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, जो भी है सोचो यार बता दियो मैं जहाँ पर वो दोनों कपल्स अपने हाथ पांव मार रहे थे वोट इकट्ठा करने के लिए, मैं और कृति रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर मैं भी चाहता हूँ कि रिया ना जीते, ये तो है, आई डोंट वांट हर टू विन। पर वो वाली अब जो पहले वाली खुंदक वाली बात थी ना वो रह नहीं गई, वो कम हो गई है फॉर सम रीज़न। नहीं, मेरी अभी भी बुद्धि है, बिल्कुल उतनी है, मेरी बहुत लेवल हाई है उसका। अगर वो निकल जाती तो मैं बहुत खुश होती, तभी मैंने बोलता नो सेकेंड ऑप्शन। ये देख आज हमारा पहली बार टास्क हुआ, पराग लिया और तेरा मेरा और किस्मत ने हमारा साथ दिया, सो दैट्स एन इंडिकेशन। हम लोगों को किसी से कोई वोट की जरूरत नहीं थी, पर विला में सीन कुछ ऐसा था कि ड्रामा अपनी हाइट पर पहुंच चुका था। बिचिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग सब कुछ बहुत जोरों शोरों से हो रही थी। देयर आर नो चांसेस, शी डू नॉट डिजर्व माय वोट एट ऑल। मेरा वही है, मैं तो तेको बता रहा हूं मेरा शायद चेंज भी नहीं होगा, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल बैकस्टैब। आई डोंट वांट That psycho to win. लेकिन सच में कौन किसके साथ है ये तो एलिमिनेशन में ही पता लगेगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। विकास एंड कृति, आई हैव टू से कांग्रेचुलेशंस, आपने मिलस्टोन का चैलेंज जीता, आप नेक्स्ट लेवल पहुंच गए हैं, आपकी पोजीशन सेफ है। बात आती है बाकी दो कपल्स की, इनकी किस्मत डिपेंड करती है हमारे स्प्लिट्स विलन्स के हाथों में। तैयार है स्प्लिट्स विलन्स? इन दोनों में से कोई एक कपल का नाम आप अपने वोटिंग कार्ड में लिखेंगे जिसे आप सेव करना चाहती हैं। शुरुआत करते हैं माहिब के साथ। पराग एंड रिया। राज। पराग एंड रिया। पराग एंड रिया। बिकॉज ऑफ पवित्रा आई डोंट वांट टू सपोर्ट द होल टीम देयर। पवित्रा के डिसीजंस के पीछे इट वाज विकास। अगर पवित्रा ने गेम में अपने दिमाग से गेम खेली होती और सब कुछ अपने तरीके से किया होता, आई एम श्योर कि आज मेरा वोट इधर ही जाता।
ओके पवित्रा, थोड़ा बहुत दिमाग तो मेरे अंदर भी है कि मैं डिसीजन ले सकती हूँ. थैंक यू पवित्रा एक्चुअली. और यहाँ मैं इससे पूछ के नहीं आई थी, इससे पूछ के मैं कपड़े नहीं पहनती, इससे पूछ के मैं खाती नहीं, नहाती नहीं, धोती नहीं. तो वो है कि सजेशन मिलता है, फिर बाद में मेरा डिसीजन होता है मुझे क्या करना है. ओके रमन, या माय वोट इज फॉर सफजल एंड पवित्रा. सफजल एंड पवित्रा क्यों? मुझे लगता है कि सफजल एक अच्छा कंपटीशन देगा. इट्स नॉट दैट कि रिया एंड पराग नहीं दे सकते. इट्स आल्सो अनदर रीजन कि आई एम क्लोज टू सफजल एंड आई सपोर्ट हिम. पुलकित, आई एम रियली सॉरी रिया एंड पराग. आई विल वोट फॉर सफजल एंड पवित्रा. पूछ सकती हूँ क्यों? Is it because Sabzal is close to closer to you, or have I done something? For the simple reason that Sabzal is a good friend of mine, and मुझे लगता है कि he deserves to be in the contest and he can give a good fight. If he's closer, that's absolutely fine. Friends, friendship first. Monica, it is Sabzal. And I would want to give her a huge round of applause, actually. Yeah, great friend, lovely friend. So I think अभी तक जो भी था वो pretend कर रही थी. मुझे नहीं लगता pretend कर रही थी, पर मुझे लगता है कि now probably connection is more stronger than the friendship we shared. So it's not like that. It's not like friends are less important. That is what it is, Monica. He chose his friends. It's her choice, her word. Doesn't matter. Monica, that's all you need to justify. I think really, if I consider someone so much of a friend, I expect them to understand. I cannot keep justifying. Understand this? Yeah. Okay. We understand. Thank you. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब मैं जा रहा था मुझे पता था मैं डंप हो चुका था. मैंने फिर भी अर्जुन से तेरे लिए अपील करी थी कि यू शुड कीप हर बिकॉज आई थिंक शी वुड गो फॉरवर्ड. आफ्टर दैट रिया वॉज बाय योर साइड. इवन आफ्टर ऑल द रूमर्स शी वॉज बाय योर साइड एज अ फ्रेंड, नॉट बिकॉज इफ शी फेल्ट. अगर उसको लगता कि यू एंड मी हैड समथिंग, शी वुड हैव प्रॉब्ली हैड अ फाइट विद यू. मुझे सिर्फ रिया के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत एफर्ट्स डाले. And now that I know she was never my friend, so I'd like to say something to Pulkit. Pulkit, तो बहुत गलत impression में. She keeps picking on Pavitra. उसके बारे में जो मर्जी बोलती रहती, जो तू करती है बहुत गलत करती. Knowing that Niharika is your friend, तूने इसको आहिक को जाकर बोला कि तू feel करती है उसके लिए. और अगले दिन Pulkit आके तो उसके साथ चिपट रही है. What is that all about, yeah? Niharika तेरी दोस्त है ना? तूने माही हाँ. ये कैसी दोस्ती है यार? अब तू अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड को ही लाइन मार रही है यार, क्या बदतमीजी है. माहिब ने मुझे बताया कि जब भी एलिमिनेट हुए थे तब माहिब को मोनिका ने बताया था कि आई फील फॉर यू. बट हाउ कम तू ये अभी उसकी वोट देखकर ये बोल रही है? बात ही नहीं कर रही, क्यों बीच बीच में आ गई ऐसे बहुत बात कर रहे मुझसे? हां नहीं सर, क्यों कर रही है तू ड्रामा? क्यों कर रही है? मैं बोलना होता तो पहले बोल देती यार. नहीं कर रही वो, इसलिए कर रही है. पराग वो इसलिए कर रही है बिकॉज़ शी फेल्ट मोनिका. बोलना तो पहले बोलती यार. तेरे साथ हुआ था तेरे को पता लगता. लाइक विकास से इसको कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेंडशिप में कुछ बातें नहीं बोलती हूं. तब मुझे जब पता चला कि वो दोस्त नहीं है तो मैं बोल रही हूँ. सफजल इज इट क्लियर टू यू? सो कीप क्वाइट नाउ, लेट मी टॉक. माहिब झूठ मत बोली, मैं सच बता रही हूँ. आज सच बोल दू. या वही तो मैं कह रहा हूँ, शी टोल्ड मी दैट आई लाइक यू. एंड निहारिका इज अ फ्रेंड राइट? आई लाइक टू इज अ फ्रेंड माहिब. वी हैड दैट होल डिस्कशन एंड नो हाउ इट वाज. या सो प्लीज एक्सप्लेन टू हर व्हाट यू टोल्ड हर. यू टोल्ड मी आई लाइक यू. ओके दैट्स इट. No, I like you as a friend बोला तो उसमें निहारिका के लिए क्यों बुरा लग रहा है? As a friend skip कर दिया गया था जब मेरे पास एक conversation आई थी. So please just confront Mahip. And then what was his answer? She said I like you. What was your answer? अगर I like you too, that's it. I think ये भी बोल रहा था निहारिका कि वो कुछ बोलेगा नहीं, because वो कुछ बोलता नहीं है. As a friend, she's cutting. She's cutting as a friend. नहीं listen, नहीं तूने मुझे कब बोला as a friend? गलती हो गई मुझसे. See, let me clarify, Monica. I don't like you as a friend. Okay, I really like you, and if something of this sort is happening, please clarify. Okay. I would just leave this to Mahip, because Mahip, if you don't clear this, I'll have to say things. Okay. So just. दिया यार. So just please explain to her. मैंने explain कितनी बार करूँ? मैंने बोल दिया as a friend. Please explain to Niharika. That's what matters to me. Dear, don't leave it. Why do you want to leave it? Why don't you tell me? नहीं actually मैंने इसको इसलिए बताया था क्योंकि मैं अगर उसको बताता तो शायद वो गलत ले लेती. लेकिन जब मैंने आज इनको आपस में देखा तो मुझे लगा कि मैं गलत था.
तो इसलिए मैंने निहारिका को नहीं बताया. मैंने सोचा कि आफ्टर द शो में बता दूंगा कि मैं यहाँ पे अपने साथ प्रॉब्लम नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने इसको बताया था. दैट्स इट. And there are a lot of things that you also think about Niharika, you know, but I'm not going to enlighten her on that. I'm not going to. She knows it, ki kab kya hua tha, kab kya baatein hui thi, and she's fine with it. You don't have to say it. She doesn't know everything. I don't have any problem. Mere liye jo friend hai, wo mere liye friend hi hai, chahe wo mere piche jo marzi bole. And the same goes for me, right? Are you clear with this? So seriously, I'll really have to clear it for you. No, it's clear. Usne bol diya. You're sure, right? You're trusting what Mahik says now. I don't trust you. So then, the so do you believe this thing or no? No, I trust Mahip. That's the big thing. Jo bol raha hai, theek hai. Moving on, Niharika. Riya and Parag. Riya and Parag. It was expected. Riya and Parag ko votes mile hain. Teen. Pavitra aur Safzal ko bhi teen votes mile hain. Nirmal se poochte hain. Aapne kisko vote kiya? पवित्रा एंड सफजल. सफजल और पवित्र के वोट्स चार हैं. किरण के ऊपर निर्भर करेगा कि आज स्प्लिट्सविला से इन दोनों में से कौन सा एक कपल सेव होगा और कौन सा दूसरा कपल घर वापस जाएगा. किरण, लेट्स हैव योर वोट. Riya and Parag. What? Oh my God! ये कैसे हो गया किरण? Wow. Wow. Thank you. Firstly, जब मैं डंपिंग जोन में खड़ी थी, सफजल ने सारे वोट मेरे अगेंस्ट कर दिए थे. And second of all, जैसे ही टास्क खत्म हुआ, पवित्रा मेरे पास आई, मुझे कहती रिया को पराग को वोट करना. तो अब मतलब कि इसने मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मैं किसको वोट करूँ. इसने एक सेकंड के लिए नहीं मुझे बोला कि मुझे वोट कर, आई वांट टू विन द शो. एंड इसलिए मैं मेरे को लगता है कि रिया ज़्यादा अच्छे कंपटीटर और ज़्यादा पैशनेट है शो. थैंक यू सो मच. पवित्रा, किरण और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या हो गया? आपने किरण को ऐसे क्यों बोला? मैं हर किसी को ऐसे ही बोलती रहती हूँ. मैं विकास को भी ऐसे ही बोलती थी कि मुझे निकाल दे, बट पता नहीं उसे शायद ज़्यादा लगी. सो गाइस, Obviously, it's a tie. दोनों कपल को चार चार वोट्स मिले हैं. कोई चेंज करना चाहता है अपना वोट? आप चेंज करना चाहते हैं अपने वोट? I'll vote for Riya and Parag. Riya and Parag. Wow. But why? First thing, I would want to say sorry to Pavitra because मैंने उसको commit किया था. But then, you know, मैं ये कर रही थी क्योंकि I thought, you know, friends. But then, मुझे अब लगता है if you see the task, if you see the performance, if you go back and rewind everything, you know, Riya is more deserving. So I really want to change my vote and would like to support Parag and Riya. मैंने जो पहला वोट किया था वो सिर्फ और सिर्फ पवित्रा के लिए किया था. मैंने वो सफजल के लिए भी नहीं किया था क्योंकि सुबह जो बात हुई थी, जैसे कॉन्वर्जेशन हुआ था, सफजल ने पवित्रा के कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी बातें की थी. मैं नहीं बोल रहा था उसको, मैं सुन रहा था. वो सारे सुन रहे थे ना सफजल, हम सब तो, खड़े थे. तो तभी भी मैं शर्म नहीं थी, मैं तो नाम लेके बोल रहा था. व्हाटएवर रीजंस यू हैड, राइट, बट देन क्योंकि उसने तुझे पिक किया, तुझे गेम में वापस आने का चांस मिल रहा था, तो तू उसके साथ स्टिक हो गया. दिस इज अ गेम. कौन इज अ फेयर इनफ, कौन फेयर गेम, कौन कौन खेल रहा है? यू फेयर गेम कौन खेल रहा है? दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल. मैं अगर इसको पसंद नहीं करता, मैं उसको सेव ही नहीं करता. जबकि हम लोग का ये था कि हम लोग तो पहले की बात थी ना, वो तो पहले की बात थी. मेरे को किसी ने बोला था तभी भी इसे शट अप. कैन यू प्लीज शट अप? यू शट अप. इसकी तभी भी, लेकिन उसको हमारा प्लान था किरण को वोट करना है, पर इसको हमने सेव किया कहीं ना कहीं. आई लाइक हर. शट अप. यू लाइक हर? देन हाउ कुड यू टॉक अबाउट हर? Against her? ये जहाँ सारे लोग खड़े हैं, सब लोगों ने तुझे सुना है. Just because she is my friend, I'm saying it for her. Game खेलो, अपनी respect रख के खेलो. Shut up. No, you shut up. Okay, first you learn how to talk to girls, okay? Because you don't deserve to be there where you are right now. Yeah. Look at him.
यू नो जिस लड़की ने उसको पिक किया है आज वो उसको शट अप बोल रहा है. सेज इट ऑल. पवित्र, आप और सफजल के बीच में काफी अनबन सी रही है, फिर आप पैच अप हो जाते हैं. आपको लगता है कि आपका प्यार ब्लॉसम हो सकता है? Maybe after the game, but I don't know, maybe. पवित्र एंड सफजल, आपकी स्प्लिट्स विला की जर्नी यहीं खत्म होती है. आप अपने स्प्लिट्स विलन्स के साथ ज्वाइन कर लीजिए प्लीज. रियान पराग, कंग्रेचुलेशंस. आप कंपीट करेंगे विकास और कृति के साथ. पुरानी प्यार की जीत होगी या नई वाली, वो तो वक्त ही बताएगा. गुड नाइट. एलिमिनेशन के बाद रिया और पराग दोनों मोनिका से बहुत ज्यादा नाराज थे. महीने की दोस्ती रो एक ही दिन में. जस्ट बिकॉज़ जब एक दिन पहले उसको पुलकित मिल गया और इतना प्यार बढ़ गया कि दोस्ती भूल जाओ सारी. रिया से ज्यादा पराग ने मोनिका के वोट को बहुत दिल पे ले लिया था. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप फ्रेंड्स मैटर एज वेल, इट डजंट गेट ओवर. How many arguments would I have with him? Yeah, it's like either I can be friends with you, or either I could be with him. You know, that was really my situation back then. I could not settle it, seriously. Monica, I know, but there is something called as friendship as well. It doesn't get over there. I chose him. I'm sorry. सबके मन में बहुत सारे सवाल थे, जिनका जवाब उनको मिला नहीं था. बहुत ही गर्म माहौल हो चुका था विला के अंदर. तभी दीप्ति आई. Okay, guys. हमने बहुत सारी बातें कर ली, बट आई एम श्योर कुछ लोग, हमारे दो कपल फाइनलिस्ट कृति और विकास, रिया और पराग से बहुत से सवाल पूछना चाहेंगे. आपको मौका मिला जा रहा है कि आप इन दोनों कपल्स को कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे कि आप इनको ज्यादा पहचान पाएंगे. एंड इट विल बी एनोनिमस. प्लीज गो अहेड. क्यू कार्ड मेरे हाथ में है. बहुत से सवाल आप पूछना चाहते हैं. शुरुआत करते हैं, ये कृति को जाता है. पहली बार. Are you jealous of Rhea because guys feel that she is more good looking? Is there any inferiority complex in you? मैंने सोचा कि मैं उससे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि वो सच में जेलस है रिया से कि नहीं, बिकॉज गाइस थिंक दैट शी इज़ बेटर लुकिंग. आई डोंट हैव एनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट जेलस ऑफ हर. पतली वो भी है, मैं भी हूँ. गुड लुकिंग वो भी है, मैं भी हूँ. बट ये है कौन किसको कितना जानता है. इट्स जस्ट लाइक दैट. कृति खुद तो ये बोलेगी नहीं कि वो जेलस है रिया से. मतलब उसकी शक्ल से तो लग ही रहा था कि हाँ वो जेलस है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. ओके, नेक्स्ट question is for Kriti. Fake love is there. When is the fake wedding? Why? I mean, क्यों नहीं लगता आप लोगों को कि मैं fake हूँ? I mean, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको क्यों लग रहा है मैं fake हूँ? क्योंकि शुरू से मैं सिर्फ इसी के साथ हूँ. अभी तक मैं इसी के साथ हूँ. ये मेरे साथ है. तो कहाँ से fake आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा. And this is really, really bad. कि I and he have to prove himself. जब इतना कुछ हो चुका है और उसके बाद भी हमें प्रूव करना पड़ रहा है. Listen, we don't. Man. Listen, we don't have to prove anything. तुम लोगों को फेक लग रहा है. मैंने पहले भी बोला भाई लोगों, तुम्हें टाइम जवाब देगा. विकास तो मैं कह सकता हूँ, हो सकता है maybe he is in love. But Kriti, the way you playing, I guess it's not the right way. Okay, moving on. Next question, विकास के लिए. You play a dirty game, agree or disagree? Please don't be diplomatic. 100% disagree. When I'm single, you know, I'll I don't give about it. But if I'm committed, I've been committed twice and I've never cheated on my girlfriends. And I would never once I'm committed. So I'm not a player. Whosoever said it, they need a reality check. I don't know. Not to me. No, I'm just क्वेश्चन मेरा था. उस पर भी वो ऑफेंडेड हो गया था कि यार कौन लिखता है, मैं तो कोई गेम नहीं खेलता, ये नहीं करता, वो नहीं करता. आई वॉज द ओनली गाय जो यहाँ पे आया, पहले दिन सबके सामने बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं उसी के साथ रहा. और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा. एंड दैट जस्ट सेज इट ऑल. सो इट्स रियली अ लेम क्वेश्चन.
Let's move on. This is for Parag. अगर आप रिया के साथ नहीं होते तो गर्ल्स में से आप किसके साथ डेट पर जाते और आप किसको ज्यादा पसंद करते? I know for a fact that you know he was close to me and उसने मुझे पहले कहा भी है. So I just wanted to see कि इतनी argument के बाद भी क्या वो मेरा नाम लेता है और what's in his mind, you know? I think अगर मैं रिया को डेट ना कर रहा होता और मैं अगर as a single यहाँ पे आता तो I think I would go on a date with Pavitra. Because she's tall and I like tall women and I think I would go on a date with her. He thought that he could make me jealous or something like that. That was a very unmanly, very sissy response to it. You know, he was actually trying to get back at me with it, which was so lame. For Rhea, how much you love Parag and from how long? I think kuch date saal ho gaye, almost. Aur I love him a lot. I still didn't tell you what I have a crush on him. Please, I'll clarify that. Monica, कुछ कहना है तो बोलो. You know, this is something that when he observed, then he just said कि if Rhea and Parag are really in a relationship, तो Rhea मुझे आकर क्यों कहेगी I have a crush on you? I said, he's just saying कि अगर मैं अपनी girlfriend के साथ आता, तो आप First of all, listen to me, Monica, Miss Mary Jane Lalwani, listen. जब split and stick session हुआ था, तो मुझसे दीप्ति ने पूछा था Parag के अलावा और कौन पसंद था? I said Pulkit and Arjun, Parag के अलावा. What's wrong with you? बाद में तो पता चलेगा मैंने खुद ही बोल दिया मैंने तेरा नाम लिया था क्या प्रॉब्लम है इसमें If you are upset about Rhea not voting for you while Mahip was there as well, there is one basic reason. If you have two friends in the dumping zone, you can only save one. अगर तुम एक को बचा सकते हो तो तुम उसी को बचाओगे जो तुम्हारा अच्छा ज्यादा अच्छा दोस्त है उसने कुछ गलत नहीं किया उसने बात की वो अच्छी दोस्त इतनी नहीं है इतनी माही पे श्योर श्योर रिया दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर या लेट्स जस्ट स्टॉप इट एनीवे दिस इज फॉर विकास आर यू हियरिंग इट यस आई एम आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग मायसेल्फ विल यू एबल टू सैटिस्फाई कृति एट दिस एज विदाउट वायग्रा या एब्सोल्युटली एंड आई नो हु आस्क्ड दैट टू जिसने भी ये सवाल पूछा है मैं चाहूंगा कि अगर वो एक औलाद है तो सामने आके ये मुझसे पूछ ले कम ऑन मैन है दैट्स माय आंसर टू दैट गाय और गर्ल व्हिचएवर इट इज दैट्स माय आंसर Let's move on. Okay. I feel good about it. This is for Kriti. Okay. Are you still a I think, okay, I don't think so. She needs to answer that question. That's really a shame. And I'm saying it here. You are a Seriously, who that person oh is? Oh my God. You are a Agar apne औलाद है तो यहाँ पे आके तो सामने खड़े हो जाओगे तो मैं तो यहाँ पे आके पूछ लूँ लिसन इसकी मैं जिसने क्वेश्चन पूछा प्लीज यहाँ आके पूछ ले एक औलाद है तो या प्लीज कम हूएवर तुम में कोई शर्म सीरियसली तुम में कोई शर्म नहीं है तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहने नहीं है ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो दिस इज जस्ट गेम मैन और तुम मुझे कहते मैं गेम्स खेल रहा हूँ आई एम हु आई एम यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ के सामने किसी कम नहीं है माँ का दूध नहीं पिया बस Come on, ये question इतना personal है कि कोई इंसान किसी से पूछते हुए भी 10 बार सोचेगा. How can you even think of asking it? तुम्हारी है जिसने भी लिखा ना उसकी है इसलिए उसको ये लगता है
यहाँ पे एक लड़का आया जो मुझसे उम्र में बड़ा था, देखने में मुझसे छोटा लगता है और देखने में मुझसे अच्छा लगता है, मेरी से उसे अच्छी लड़की मिल गई, दोनों में प्यार हो गया। मैं तो इतनी उम्र का, यहाँ मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मैं शो में फाइनल में भी नहीं पहुंचा, मैं तो लूजर हूँ। चलो अब ये क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। That's what it Actually, is. Yes. That's what it yes. is. Dude, this is your jealousy coming out. क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ better है ही नहीं करने के लिए यार। कितना घटिया question है man. I would never ever in my life ask that question to a girl on national TV. So that says it all. Can we move on, Dipti? Because it seems you're really badly hurt. I'm really, yeah, really exactly. badly hurt, disappointed in my friends. क्योंकि सब यहाँ आए, game खेलने आए. और ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि किसने गेम फेयर खेली, किसने अच्छे से खेली और किसने गंदी और ओछी गेम खेली। सिर्फ तुम्हें एक मौका मिला कि तुम ये सवाल पूछ लो और तुम्हारा नाम नहीं बताया जाएगा, तुम्हारी औकात सामने आ गई। कृति कम ऑन, कृति कृति, इट्स नॉट वर्थ। कुत्ते तो भौंकते हैं यार, कम ऑन कम ऑन, चुप कर। अगर उसकी होता एक गलाद होता तो यहाँ ना खड़ा था भी। Come on, कृति। कृति, come on. You're a strong girl, please. I am very strong and I'm gonna life of that person. I just don't understand. जो भी उसने किया, इतना घटिया आदमी है वो यार। मैं बताओ, वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। Okay. उसे कभी खुश नहीं मिलेगी। I'm telling you that. कोई कैसे कह सकता है यार? जिसने भी लिखा है उसका मकसद तो यही था ना, तुम लोगों को हर्ट करना, ये तो उनका मकसद था। तो यू नो ना, जल्दी अंदर से बताता रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गए, प्यार भी मिल गया। काफी पर्सनल और हर्टफुल क्वेश्चंस थे। जैसे कि आप जानते हैं, टुमारो इज गोइंग टू बी योर फाइनल चैलेंज, दैट विल सील योर फेट for the ultimate king and the ultimate queen of Splits Villa. Best of luck, get some rest guys. Good night. Question answer session ke baad Kriti bahut zyada upset. This is really bad. Yeah. Shuru baat. Nahi mujhe. Kyon soch rahi hai is bare mein? Kriti? Inki to main jab main jeetungi na इनको लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। सर लिसन लिसन लिसन, दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज़ दे आर जेलस। और एक नहीं है, ऐसे दो तीन लोग हैं यार जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं, पूछ रहे कितने घटिया लोग हैं। अरे आप किसी की हिम्मत नहीं है ना, जहाँ वो नाम लिखा ना कि नाम नहीं लिखना है तो अपनी औकात सामने आ गई। मुझे पे थप्पड़ मारना है, जब जीत जाएंगे बोलने लायक नहीं रहेंगे। मुझे हर हालत में जीतना, चाहे मुझे मरना पड़े ना, कल मरने की नौबत आ जाएगी ना, तब भी मैं जीतूंगी, मैं अपनी जीत जान लगा दूंगी। जब विकास और कृति बहुत ज़्यादा यू नो अपसेट हो गए थे, सब के सब जाके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि यार वो सवाल हमने नहीं पूछा। जो मैं 33 साल में कर सकता हूँ ना, वो 16 साल में भी नहीं कर सकता होगा। भगवान ही नहीं उसे, हाँ भगवान ही नहीं उसे, भगवान पैदा किया था, ही मरेगा। विकास शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सारे स्प्लिट्स विलन्स में से आई वाज श्योर ऐसा भद्दा सवाल सिर्फ राज ही पूछ सकता है। सबके सब कंफ्यूज थे और यू नो वो सवाल सवाल ही बन के रह गया कि ये आखिर पूछा किसने था। जो से वर्ड्स यूज किए, वायग्रा एंड ऑल दैट, फुल के टाइम, फिर मोनिका, सबजल नहीं पूछ सकता, और कौन हो सकता है, राज भी पूछेगा यार। रमन जितना भी गिरा हुआ ना, वो ऐसा सवाल नहीं पूछता, वो सामने से लड़ने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मेरा सवाल ये था कृति के लिए, क्योंकि मेरी विकास और कृति के साथ, विकास के साथ ज्यादा आई शुड से राइवलरी रही है शुरू से, बट बाद में मुझे ये रिग्रेट था कि मैंने कृति के लिए ये क्वेश्चन पूछा, मैंने कभी उससे ये चीजें डिस्कस नहीं की उसको अनकंफर्टेबल फील कराने को।
मुझे पता है तुमने पूछा ना तो गंदा सवाल मैं वही कह रहा हूं मुझे मैं तेरे होता हूं तेरा दिल जानता है सीरियसली तूने नहीं पूछा मतलब इन का तेरी मेरी दुश्मनी है ये सब तक नहीं है यार मर्दों वाली दुश्मनी लिसन आई एम मैन इनफ आई नो हु दैट पर्सन इज आई कॉल्ड हिम आई चैलेंज्ड हिम अगर ये के लाद होता सामने आ जाता अगले दिन हम दो कपल्स को जो कि फाइनलिस्ट थे यहाँ थाई टेंपल लेके जाया गया ताकि हम ब्लेसिंग्स ले सकें अपने ग्रैंड फिनाले के लिए मैंने वहाँ पर प्रेयर किया कि मैं और विकास इकट्ठे रहें हम अभी तक इतनी आगे तक आए हैं तो आगे तक गेम जीते दुआएं मांगी अपने लिए और पराग के लिए जीत जाए उसके बाद हमें वोडाफोन इंस्ट्रक्शन मिला कि हम फुकेट स्टंट शो शिलोंग पहुंचे ये है फिनाले व्हाट्स एट स्टेक इज 10 lakh rupees एंड अ प्राइज दैट नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय योर ओन शो ऑन इंडियाज नंबर वन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट चैनल MTV. जब आप सब सिलसिले में आए थे तो आप 20 लोग थे आज कंपटीशन में सिर्फ 4 लोग बचे हैं स्प्लिट्सविला सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले के लिए एक यहां स्प्लिट्सविला में कपल बन के आए थे रिया और पराग और एक को स्प्लिट्सविला में प्यार मिला आप चारों को पता होगा कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है कृति को भी बहुत बातें कही गई कि विकास जब स्पेशल में था ऐसा हुआ वैसा हुआ पवित्र के साथ उसको लिंकअप कर दिया गया किसी और के साथ उसको लिंकअप कर दिया गया मगर अगर इस कपल में ट्रस्ट नहीं होता तो शायद वो आज यहाँ पर खड़े नहीं होते सब लोग यहाँ पे जानते हैं कि रिया इस कॉम्पिटिशन को कितना जीतना चाहती है मगर फिर भी इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ माचो गाय फ्रॉम अमंग्स यू शी चोज द मैन शी लव्स जैसा कि आप सब देख सकते हो स्प्लिट्स विलन्स रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है और ये ग्रैंड फिनाले इसी एक टॉपिक पर डिसाइड किया जाएगा ट्रस्ट फेथ अपने आप पर आपको कितना फेथ है और अपने पार्टनर पर आपको कितना ट्रस्ट या भरोसा है दैट इज योर फाइनल चैलेंज एट स्प्लिट्स विला इस चैलेंज का नाम है द लीप ऑफ फेथ इस चैलेंज में लड़के अपने घुटनों से उल्टा लटकेंगे द वर्ल्ड लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट दैट वे लड़के नीचे खड़े रहेंगे एक डाइविंग बोर्ड पर और आपको वहां से कूदना पड़ेगा इनटू थिन एयर देयर इज नथिंग अंडरनीथ यू टू ट्राई एंड होल्ड ऑन टू योर मैन्स आर्म्स Like that. दो बातें हैं यहां पर Do you have faith in yourself to jump? And do you trust your man to hold on to you if you make it to him? अगर दोनों partners successful होते हैं तो फिर आपका timing check किया जाएगा And whoever has the faster time in completing the jump, वही जीत जाए Are you guys ready? Yeah. Let's go. Guys, are you ready? Yes. आप अपना चैलेंज समझ चुके हैं? Yeah. जी. Any questions? Any doubts? No. पराग एंड रिया? Yeah. By a draw of lots, आप दोनों पहले जा रहे हो? जी. तो आप वहाँ पे लटकोगे और रिया को कोशिश करना है कि वो इस डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाए और आप तक पहुँचे और आपके दोनों हाथ पकड़ लें. जी. Okay. Yeah. One hand does not count. It has to be both hands. Okay. Okay. Are you ready? Yes. तो जैसे ही बारी आई मुझे पता चला कि मेरे को फर्स्ट जाना है और बस मैं रेडी थी मुझे दुख नहीं हुआ कि मैं सेकंड नहीं जा पा रही हूँ मुझे फर्स्ट ही जाना था मुझे अपना एक ऐसा मार्क सेट करना था कि उसको क्रॉस नहीं कर पाए आई थिंक इट्स नॉट इजी एट ऑल बिकॉज हेड रश इतना होता है बट आई थिंक ट्रस्ट है तो सब कुछ है ऑल द बेस्ट पराग थैंक यू I wanted to show that khali body hone se task nahi hota agar tum mentally strong ho agar tumhare beech mein pyar hai agar tumhare beech mein faith aur trust hai
तो आई थिंक इट विल गो इन योर फेवर. Let's get you up. Feet with the number 9 is on the board. जब मैं उल्टा लटका मैंने रिया को देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं कैसे पकड़ूंगा, बिकॉज मैं उल्टी दुनिया देख रहा था. तो बस लुकिंग वेरी वेरी टफ फॉर मी, बट एक जुनून था जीतने का कि करना ही करना है चाहे कुछ भी हो. आई विल हैव टू गिव इट अ शॉट नो मैटर व्हाट. आई हैड दैट इन माय माइंड. ओके रेडी? रेडी या? पर आपको जब उल्टा लटका दिया गया, मेरे दिमाग में यही था कि बस कूद के पकड़ना है पकड़ना है. मुझे बस उसके हाथ ही दिखाई दे रहे थे. रिया आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जैसे ही उसने पकड़ा और 3 सेकंड तक पकड़ के रखा, मेरी तो हालत खराब हो गई थी. मैंने कहा यार, विकास की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा दिस इज नॉट डन. पहली बार ही मिस बंदी ने कर लिया और इतनी जल्दी कर लिया. ट्रस्ट किया, वो कूद गई, मैंने ट्रस्ट किया, मैंने पकड़ लिया. सो आई थिंक वी डिड अ प्रीटी गुड जॉब. आई एम रियली हैप्पी. आई थिंक पराग ने बहुत अच्छी कोशिश करी, मैंने भी काफ़ी अच्छी जंप करी तब ये हो पाया और बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. लेट्स जस्ट होप कि विकास और कृति अच्छा ना कर पाए प्लीज. हमारी बारी आई और प्रेशर हम पे था, क्योंकि अब हमें वो टास्क 5 या 6 सेकंड से पहले करना था, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो आई थॉट इट्स ओके, इट्स डू और डाई, ईदर वी विल विन और वी विल लूज रिगार्डलेस, सो जस्ट गो फॉर इट. कृति, लेट्स गेट यू अप टू द नंबर 9. स्टॉप. मेरे दिमाग में ये चीज थी कि अब मुझे 4 सेकंड में करना भी है और उनसे ज्यादा अच्छा करना और 100% करना. अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर नहीं हुआ तो खत्म. तो आई वाज डबल प्रेशराइज्ड. ओके, आई एम रेडी. यू रेडी? या. कृति, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कि हम स्प्लिट्स विला जीत चुके हैं और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. जो भी लोग हमारे अगेंस्ट थे जल जल के पागल हो गए होंगे. आई एम श्योर. बस फीलिंग लाइक आई मिस दैट थिंग व्हिच वाज जस्ट दिस मच क्लोज टू मी. मुझे अपने से ज्यादा विकास के लिए बुरा लग रहा था, बिकॉज उस बंदे ने इतनी स्ट्रगल करी, मेहनत करी, यहाँ तक आया और अब जाके मतलब मेरी वजह से वो हार गया. Because I love you, but I'm sorry. I'm sorry. Seriously, I'm sorry. It's okay. It's okay. I still love you.
मुझे नहीं लगता कि एक टास्क डिसाइड्स विनर और लूजर. आई रियली बिलीव कि मैंने अपना 100% दिया यहाँ पे एंड आई केम एज अ विनर, आई लीव एज अ विनर. हार्ड लास्ट स्टिल अ विनर. इतनी बातें सुनने को मिली, इतना सब कुछ हुआ, यानी इतना सब कुछ झेला, तो आई थिंक अब ये जाके जवाब दे सकती है. तो जोश ने किया, इट वाज वर्थ इट एंड आई डिडंट वांट टू पुट हर डाउन. अगर आज मैं टास्क हार जाता तो मैं बहुत बुरा फील करता कि ये अकेले यहाँ पे आई और मैं आके बस हरा दिया मैंने उसे. आई थिंक आई डिड फॉर हर एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, रियली प्राउड ऑफ हिम एंड एंड टू ऑन टॉप. Splitsvillains, I give to you the ultimate king and queen of Splitsvilla, Riya and Parag. Guys, but whoever would have won today, it's nice to see that eventually true love wins in Splitsvilla. Guys, we have some goodies for you from our partners. Aap dono ko milta hai 5 lakh rupees each and your own show on India's number one youth entertainment and music channel, MTV. I hope you guys have all had a fantastic time in Phuket, Thailand. बहुत सारे experiences आपको मिले, कुछ रोए कुछ हंसे. Each and every one of you has been a fantastic competitor on the show. And thank you for joining us on Vodafone MTV Splitsvilla Season 3, the World War 3 of Love in Phuket, Thailand. We'll see you again soon. Goodbye.